हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें तीन शेल्स दे रखे हैं और उनके रेडियस इस हिसाब से हैं। फिर कहता है कि चार्ज डेंसिटीज है जो सरफेस पे, वो पॉजिटिव सिग्मा, नेगेटिव और फिर से पॉजिटिव है, मतलब ए बी सी के हिसाब से लिखा हुआ है। आपको बोल रहा है कि बी जो शेल है उस पर कितना पोटेंशियल होना चाहिए। तो पहले अपन ये समझ लेते हैं कि शेल थ्योरम कैसे काम करती है। थ्योरी जब पढ़ते हैं तो इसके दो सेंटेंसेस याद हम कर लेते हैं। पहला ये कहता है कि अगर ये शेल है अपने पास, जितना भी चार्ज होगा, अगर आपको बाहर कहीं पढ़ना है तो इस चार्ज को सेंटर पे अज्यूम करके वहाँ तक का डिस्टेंस ले लेना होगा और इस जगह पे पोटेंशियल मिलने लगेगा। मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ पे के लिखेंगे। जो भी चार्ज सरफेस पे होगा ना बच्चों, उसको सेंटर पे रख के अज्यूम करके पढ़ा जाता है, तो हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय, जहां तक की बात हो रही है तो हो जाएगा आर, और ये सीधी सीधी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड की। ठीक है, चाहे बात सरफेस की हो या चाहे बात इनसाइड की हो, आपको ये बातें पता है कि ये शेल है। शेल होगा तो अंदर मास वगैरह तो है नहीं, मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, और आपको लिखना चाहिए कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्स्टेंट, है ना। बहुत कन्फ्यूजिंग टर्म है ये, हमेशा याद रखो। इंटरनल किसी भी जगह की बात करूंगा मैं तो इसका जो रेडियस होगा वही काम आएगा, और पोटेंशियल यहाँ लिख लिया जाएगा के, जो भी सरफेस पे चार्ज मान लो वो हो जाएगा क्यू और डिवाइड बाय आर। इनसाइड में कितनी भी डिस्टेंस अपन काउंट करेंगे अपना यही आंसर आना चाहिए। इन दोनों के साथ अगर इस क्वेश्चन को विजुअलाइज करेंगे तो कुछ इस तरह का समझ में आएगा। तीन शेल्स हैं अपने पास, ए बी और सी, आपको इस पर स्टडी करना, तो लिख लीजिए पोटेंशियल एट बी। ठीक है, टोटल ये किसका होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ वर्ड, टोटल पोटेंशियल चाहिए। ये ए की वजह से भी होना चाहिए, बी की वजह से भी होना चाहिए और सी की वजह से भी होना चाहिए। ठीक है, पोटेंशियल का टर्म जनरली होता है के क्यू बाय आर, आपके बाहर निकाल लीजिए तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए बात करते हैं फर्स्ट वाले की। तो फर्स्ट शेल को अगर ढंग से देखोगे तो फर्स्ट शेल पे बैठ के अगर चार्ज क्यू ऑफ ए लिखा है आपने, तो यहाँ हो जाएगा क्यू ऑफ ए, और इसके हिसाब से तो आप बाहर ही जा रहे हो तो आपको बी तक का डिस्टेंस देखना होगा, तो नीचे हो जाएगा बी। इसके बाद आप सेकेंड की बात करोगे तो हो जाएगा चार्ज ऑन बी। ठीक है, बी पे रहेंगे तो अपन को नीचे बी लिखना होगा, और प्लस चार्ज ऑफ सी, यहाँ होती है गड़बड़। देखो, चार्ज सी पे होगा क्यू ऑफ सी, बी पे होगा क्यू ऑफ बी, ड्यू टू सरफेस डेंसिटीज। लेकिन सी पर से जब पोटेंशियल चेक करेंगे तो इनसाइड के लिए बी वैल्यू नहीं आने वाली है, इसके अंदर कहीं पे पोटेंशियल कॉन्स्टेंट ही रहने वाला है ड्यू टू सी। मैंने यहाँ समझा रखा आप लोगों को, तो यहाँ हो जाएगा सी बच्चों, यही एक गलती करने की चांस है, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज स्टेप वाइज वाला ही है आपके पास। ये होना चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चार्ज को अपन लिख सकते हैं पॉजिटिव में सिग्मा इंटू एरिया, ये हो जाएगा 4 पाई ए स्क्वायर डिवाइड बाय दिस इज बी, प्लस सेकेंड की बात कर रहे हैं अपन तो हो जाएगा माइनस ऑफ सिग्मा, ठीक है, 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाय बी, और ये हो जाएगा प्लस, फिर से हो जाएगा सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर डिवाइड बाय सी। बेसिक सॉल्व कर लेंगे तो यहां से अपन को मिल रहा है 4 पाई अलग कर देता हूं मैं, ठीक है, और आंसर आ रहा है अपन को सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है अपने पास ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर, यहाँ कॉमन हो जाएगा तो बी हो जाएगा, और प्लस ऑफ सी। ठीक है, इसको देखोगे तो क्या मिल रहा है, पोटेंशियल मिल रहा है अपन को बी पे, और अपना ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन में से काउंट कर लो उसको, आउटसाइड पढ़ेंगे तो वहां तक पढ़ेंगे और अंदर पढ़ेंगे तो उसका रेडियस लेकर पढ़ेंगे, तो बी पे पढ़ने के लिए दोनों केस लग रहे हैं शेल के अपने पास। तीनों को ऐड किया, ऐड क्यों कर रहे हैं उसका भी रीजन है कि पोटेंशियल क्या होता है प्यारे बच्चों, स्केलर होता है, तो एलजेब्रा के फॉर्म में रख दिया है और आंसर मिल रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, काइंडली लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल।